हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फॉर जीनियस चैनल में। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉन्फ्रेड द नेशनल किशोर कुमार सम्मान फॉर 2018-19। 2018-19 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है, बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी हैज़ ओपन इन विच सिटी। भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी किस शहर में खोली गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, जहां पर पहली बार ट्रेन चली थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्यों के रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। इसके कुछ डिटेल हैं, 1976 में प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेट अप इन विच ईयर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है, बताइए दोस्तों। नाबार्ड बैंक क्या स्थापना कब की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1982। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक भारत में एक सर्वोच्च वित्तीय विकास संस्थान है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ विच एलिमेंट। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किस तत्व के महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला, अच्छा सी डिटेल हैं कुछ, डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एंथेन, जिसे आमतौर पर डीडीटी के रूप में जाना जाता है, एक रंग रहित, स्वादरहित और लगभग गंधहित क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। यह एक कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के रूप में भी जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। एजेंडा 21 किस शहर में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है? एजेंडा 21 इज ए प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट हेल्ड इन विच सिटी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डे जेनेरिया जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्य कार्य कार्रवाई योजना है। यहाँ 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी। खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ था, बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा
गुवाहाटी में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण 18 जनवरी 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित होने वाला है। पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से संविधान में ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए से ली गई है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा संस्था संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की शक्ति है। अहमद शाहब्दाली ने निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया? अहमद शाहब्दाली इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीगन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकेंड। अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और इसे अफगानिस्तान के आधुनिक राज्य का संस्थापक माना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इंटू पर्शियन, रामायण इंटू पर्शियन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूं ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूं एक इतिहासकार और अनुवादक थे जो मुगल साम्राज्य में रहते थे। उन्होंने हिंदू कारियों एवं रामायण और महाभारत का अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 75 आर्टिकल नंबर। ठीक है, आर्टिकल 75(1) प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग मैक्रो न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है प्लांट के लिए मैक्रो न्यूट्रेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम नहीं है। ठीक है, इसके डिटेल पौधों को बढ़ने और पनपने के लिए कई विभिन्न रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द 3 माइक्रोन्यूट्रंस ये हो गए, और बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम एंड जिंक ये हो गए माइक्रोन्यूट्रंस। ठीक है दोस्तों, ये सब है। ये ऊपर वाले माइक्रो मैक्रो हो गए न्यूट्रिएंट्स और नीचे वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, व्हाट इज द इंडियन रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 52, 52। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंक बाय 5 प्लेस टू स्टैंड एट 52 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडिया, मतलब कि फाइव ग्लोबल इंडेक्स इंडिया ने भारत में
भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार करते हुए 52वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था केला केला बेला वाराणसी में स्थित है। ठीक है, केला बेला में है। विच हॉकी प्लेयर हैज़ बीन चूसन फॉर 2019 माहून बगान रतन रत्ना मोहन बगान रतन 2019 के लिए किस हॉकी खिलाड़ी को चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केशव दत्त। ये डिटेल। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी केशव दत्त और भारत के पूर्व फुटबॉल फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी को मोहन बागान रत्न 2019 के लिए चुना गया है? यह पहली बार है जब क्लब फुटबॉल के अलावा किसी अन्य विषय के खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में दोस्तों इस ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, और कुछ कमी होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपको अच्छी लगी है वीडियो तब भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा तो उधर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आपको अगले वीडियो में बता दूंगा अपना टेलीग्राम की ID। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।